नमस्कार, ये मींगनियाँ हैं जो कि सूखी हुई हैं और हमें गमले में सूखी मींगनियों का ही प्रयोग करना है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं। तो आज सीखते हैं मींगनियों से गमला भरना और उसमें बीज उगाना। तो इसमें चार छेद कर दिए हैं जिससे कि एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। वैसे गमले मिट्टी के ही अच्छे रहते हैं और आजकल तो गोबर से बने हुए भी गमले आने लग गए हैं। इसमें ठीकरी वगैरह कुछ देते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई दवा किसी तरह की, कोई खाद, कोई पोषक तत्व देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बकरी विभिन्न तरह की वनस्पति खाती है। इसमें ये प्लास्टिक वगैरह है कुछ, उसको निकाल देना चाहिए। ये लीजिए, हो गया गमला। कितना इजी है, तैयार हो गया हमारा गमला। इससे इजी क्या होगा। बीज कैसे बोए जाएं, अब ये देखते हैं। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरे पास कस्तूरी मेथी के बीज हैं, हालांकि अभी टाइम नहीं है कस्तूरी मेथी का। उगने के बाद हो सकता है ये मर जाए क्योंकि अभी गर्मी है, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखते हैं। तो इन बीजों को हमें इस तरह से बिखेर देना है। ये हमने बीज बिखेर दिए, थोड़े से और बिखेर देते हैं। ये कितना आसान है, देखिए ये हो गया। अब इसके ऊपर हमें मल्च करनी है। मल्च सूखी मल्च करें जिसमें आपकी घास हो सकती है, जैसे मेरे पास ये दूब घास है और इस दूब घास की मैं मल्च कर रही हूँ। आप नारियल तो अपने खूब फोड़ते ही हैं, तो वो नारियल का जो ऊपर का हिस्सा होता है आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये मल्च इस तरह से करनी है कि आड़ी तिरछी, यानी एक जाल सा बन जाना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे आसानी से इसमें से निकल के आ जाएं। कुछ सीधी, कुछ तिरछी, कुछ इस तरह से एक हमें जाल तैयार करना है। और बहुत ज़्यादा हैवी हमें मल्च नहीं करना है क्योंकि मेथी के पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं। बीच बीच में आप इनको चेक भी करते रहिए। वैसे इसमें मींगनियों में पानी की कितनी ज़रूरत है कैसे पता चले, क्योंकि मींगनियाँ काली काली सी होती हैं। मिट्टी तो वैसे भी पता चल जाती है, मिट्टी का सबको अनुभव होता है, लेकिन मींगनियों का किसी को अनुभव नहीं है कि इनमें पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसके लिए ये तैयार हो गया। पानी के लिए सबसे आसान है कि पानी, वो मींगनियाँ हैं उनको आप हाथ से फोड़ के थोड़ा देख लें। अगर पानी भरा हुआ है तो ज़रूरत है नहीं, और थोड़ी सूखी सी हैं तो पानी दे दें। और बाद बाकी सुबह के टाइम में अगर हमारा पौधा थोड़ा सा अलसाया हुआ सा लग रहा है तो उसको भारी पानी की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे अच्छे से पानी दे दें, फिर कई दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। और अब इसमें जो पानी देना है, हम पहले भी पानी दे सकते थे, फिर
सीड इसमें गिरा सकते थे। और अब भी हम पानी दे सकते हैं, पहले अगर हम पानी देते तो कैसे भी दे सकते थे, लेकिन अब हमको पानी स्प्रे करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए इसको बहुत ही अच्छा गीला गीला सा बढ़िया अच्छा कर देना है। एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा था कि मींगनियाँ गर्म होती हैं तो ऐसे में पौधा जीवित रह पाएगा या नहीं। तो मींगनियाँ सीड बॉल की तरह गोल गोल होती हैं और इनमें पोलापन रहता है जिससे हवा पानी का संचार अच्छी तरीके से हो जाता है और उस पानी हवा के माध्यम से जो गर्मी है वो ठंडी होती रहती है हवा से। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि इसमें पानी की ज़रूरत कम क्यों है। तो हर एक कोई कार्बनिक मैटर है उसमें जल धारण करने की क्षमता होती है तो इसलिए हमें पानी की कम आवश्यकता रहती है। राजू भैया जी बोलते हैं जो हम कर रहे हैं और जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए, बाद बाकी साइंटिफिक रीजन वगैरह उन पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जो हम खुद देख रहे हैं उस पे हम विश्वास ना कर पाएं, उतना भी नहीं। तो आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा अगला विषय होगा क्यारी के अंदर पालक और मेथी को कैसे जंगली तरीके से उगाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार।